दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। मेरा नाम राकेश है। आज से कुछ महीने पहले जब मैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश अपने घर लौट रहा था, तब ये घटना मेरे साथ घटी थी। उस समय मेरी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। मैं अपने स्टेशन पर उतरा तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही साथ मेरा घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए मैंने रेलवे लाइन के किनारे चलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आया तो मैंने एक लड़की को अपने साथ चलते देखा। उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही थी। ट्रेन लेट होने के कारण वह परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर मेरे घर के पास ही था। मैंने सोचा कि चलो उस लड़की को उसके घर तक पहुँचा ही देता हूँ। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने मुझसे पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं। मैंने कहा हाँ खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में मुझे खेलते हुए देख चुकी है। जिस रेलवे लाइन पर हम चल रहे थे उसके एक तरफ खेत और दूसरी तरफ आबादी। कुछ घर अभी बन रहे थे, कुछ घरों में रोशनी आ रही थी। बातें करते करते हम लोग कब रेलवे फाटक के पास पहुँचे हमें पता ही नहीं चला। उसने इशारे से मुझे अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। मैंने कहा कि चलो आपको आपके घर पहुंचा देता हूं, लेकिन उसने कहा कि उसे अब कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दिनों बाद मैं शहर की ओर निकला तो उस लड़की के घर के पास से गुजरते हुए मुझे उसकी याद आई। मैंने पास के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह हैं। मैं उनके पास गया और कहा, नमस्ते अंकल, 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वह कैसी है? अर्जुन सिंह जी मेरी बातें खामोशी से सुनते रहे, फिर मुझे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख कर लाई। अर्जुन सिंह जी ने बताया कि ये उनकी छोटी बेटी श्वेता है। मैंने पूछा, अंकल रेखा कहाँ है? इस पर अर्जुन सिंह जी ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां रेखा की तस्वीर टंगी थी जिस पर माला चढ़ाई हुई थी। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वह बोले, बेटा 2 महीने पहले की बात है, रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आई। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उनसे बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिसके नीचे आकर उसकी मौत हो गई। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं, फिर थोड़ा शांत होकर कहने लगे, रेखा बहुत ही हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। अच्छा बेटा ये बताओ, जब वह तुमसे मिली तो कहीं उदास तो नहीं थी ना? मैंने कहा, नहीं अंकल, वह किसी सामान्य लड़की की तरह हंसकर बात कर रही थी। इतना कहकर मैं वहां से चल पड़ा। अर्जुन सिंह जी बोले, ठीक है बेटा आते रहना। मैं दुखी होकर वहां से निकल पड़ा। ना जाने क्यों आज भी मेरी आंखों के सामने रेखा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है। हालांकि दूर दूर तक मेरा उसके साथ कोई नाता नहीं, और इस घटना को मैं जब भी याद करता हूं तो मुझे डर कम बल्कि रोना ज्यादा आता है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।